हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैं आप लोगों को एक कैंडल स्टैंड बना के दिखाऊंगी और सिर्फ ये जो है स्टिकर के जो खाली रोल है उससे, ये दोनों स्टिकर के खाली रोल है और कार्डबोर्ड और रोप से। ये मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस काट लिया है जो इससे, इस रिंग से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर ये रखना है तो इसी हिसाब से मैंने इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा इसको काट लिया है। और अब इसके ऊपर रोप से हम ग्लू लगा के और ऐसे रोल बना लेंगे और ग्लू लगा के इसको सेट करते जाएंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा प्रेस करके रखना है और सारे जो रोप के साइड साइड में भी ग्लू लगाना है और कार्डबोर्ड के ऊपर भी ग्लू लगाना है और इसे ऐसे राउंड करके हमें शेप दे देना है। ये बन गए हैं। अब ये जो रोल है इसके भी आगे से इसको भी ऐसे ग्लू लगा के और ऐसे सेट करना है। इसको भी ऐसे घुमाते हुए इसे चारों तरफ से कवर करना है। तो पहले ग्लू से सेट करके और पूरा कवर करके दिखाते हैं। देखिए, इसे ऐसे पूरा हमें कंप्लीट करना है, ऐसे इसको कवर करके। और लास्ट में जाके यहाँ पे काट के थोड़ा सा ग्लू लगा के इसे सेट कर देना है। अब देखिए, ये रिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और जो छोटा वाला एक रिंग रखे थे इसे ऐसे, जो इसी का ही खुला हुआ जो ऐसे लूज वाला जो इसका जो धागा है, इससे ऐसे इसे भी सेम प्रोसेस से कवर करेंगे ग्लू लगा लगा के। ऐसे पूरा इसे भी कवर कर देंगे। ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं। अब एक जो छोटा सा कार्डबोर्ड के पीस रखे हैं जिसके ऊपर हम कैंडल रखेंगे, तो उसे भी ऐसे ही सेम इसके तरह बना लेंगे। अब ये सारे चीज़ें बन गए हैं। अब इस बड़े वाला स्टैंड जो ये सर्किल है इसके ऊपर इस छोटे वाले को रखना है हमें, और इसके ऊपर इस रिंग को सेट करने के बाद इसके ऊपर इसे ऐसे रखना है और इसके ऊपर इसे ऐसे रखना है। तो पहले सारे चीज़ें ग्लू से सेट कर लेते हैं। ये कैंडल स्टैंड अब बिल्कुल कंप्लीट है। अगर मेरी ये कैंडल स्टैंड आपको पसंद आएगी तो अब इसे एक लाइक दीजिएगा, और मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड बटन दिख रहे हैं उसे प्रेस करते ही आपको बेल बटन दिखेगी, और बेल बटन को प्रेस करते ही मैं न्यू वीडियो जो भी अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।